रतो वा भोग रतो वा सङ्गरतो वा सङ्गवीनः यस्य ब्राह्मणि रमते चिता यस्य भ्राह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते नंदति नंदति नंदते तो दोस्तों इस श्लोक के मायने हैं योग रतोवा भोग रतोवा चाहे योग के मार्ग से चाहे भोग के मार्ग से संग रतोवा संगवीना चाहे किसी के संग में हो चाहे अकेले हो सॉलिट्यूड में हो यस्य ब्राह्मणी रमते चित्तम के जिसने उस पार ब्रह्म परमेश्वर या अपनी सोर्स ऑफ क्रिएशन उसके ऊपर ट्रू रियलिटी के ऊपर अपना फोकस रखा यस्य ब्राह्मणी रमते चित्तम जिसका फोकस जिसकी इंटेंशन उस ट्रूथ के ऊपर है उस रियलिटी के ऊपर है नंदती नंद ओनली ही उस आनंद का भागीदार होगा वही उस आनंद को भोग पाएगा तो इस श्लोक के ये मायने थे जो हमारे योग के सबसे पहले श्लोक माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं तो दर्शकों आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी इंटरनेशनल योगा डे है जो 2015 से हर साल 21 जून को मनाया जा रहा है और 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसको इंक्लूड किया गया था अगर हम योग की बात करें तो मैं थोड़ी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूंगा जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में योगा को 2014 में इंक्लूड किया गया और योग हमारे भारतवर्ष का ओरिजिनेटेड है योग हमारे भारतवर्ष की पहचान है यही योग पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल किया और लोगों ने अपने अपने हिसाब से उसको मोल्ड भी करना शुरू किया लेकिन अगर मैं योग की बात करूं अगर योग की स्टडी की बात की जाए तो योगा जहां से आता है द वर्ड योगा मीन्स यूनियन योग का मतलब होता है यूनियन सिर्फ ट्विस्टिंग और टर्निंग हमारी बॉडी को ट्विस्ट और टर्न करने को योगा नहीं कहा जाता योगा का मतलब होता है यूनियन यूनियन किसके साथ द सोर्स ऑफ योर क्रिएशन उस परमात्मा उस परमारथ उस आनंद के साथ जब आप ट्यूनिंग में होते हैं तब उसको योग कहा जाता है योग इज द यूनियन ऑफ द आत्मन एंड द परमात्मन तो ये फिलॉसफी योगा की शुरू से हमारे कल्चर में रही है जो बाद में वेस्ट में जाकर अपने हिसाब से उन्होंने उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया और योगा की कई ब्रांचेस और स्कूल्स बना दिए गए लेकिन जो एक्चुअल योगा है जो पहले योगी महादेव शिवजी कहते हैं कि योगा का जो पहला आगमन हुआ वो शिवजी के थ्रू हुआ भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पे आसन लगा के बैठ गए और उनके सामने वो सात ऋषि जिन्हें हम ऋषि करके जानते हैं उन्होंने वो योगा उनको बताया और वही योग वो ऋषियों द्वारा पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया में ट्रेवल किया तो आदि योगी से शुरू हुआ ये योग आज पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है ये भारत के लिए बहुत ही गौरवमय बात है इसके साथ में आपको बताऊं मॉडर्न डे योगा के बारे में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ये 18 नवंबर अठारह में इनका जन्म हुआ और 28 फरवरी उन्नीस में इनकी मृत्यु हुई यह वन ऑफ दी फादर ऑफ योगा भी इनको कहा जाता है और ये इंडियन योगा टीचर थे आयुर्वेदिक हीलर और स्कॉलर थे तिरुमली कृष्णमाचार्य और इनको फादर ऑफ योगा के नाम से भी जाना जाता है और 20वीं सदी के सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल योगा टीचर्स में ये आते हैं दर्शकों आज के दिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपके साथ ये सब चीज़ें साझा कर पा रहा हूँ और कुछ ऐसी चीज़ें योग से जुड़ी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में या मैंने अपने लाइफ स्पैन में जो मैंने सीखी हैं क्योंकि मैं भी बड़े ही दिलोचार से योग को फॉलो करता हूँ वो योग जो आपको यूनियन करवाता है उस परमात्मा से जो आपको अपने आप के भीतर जाना सिखाता है मैं काफ़ी लोगों को पढ़ता रहा जैसे कि आचार्य रजनीश जिन्हें ओशो के नाम से जानते हैं उसके बाद अभी जो ईशा फाउंडेशन के नाम से सदगुरु जग्गी वासुदेव जो वो फाउंडेशन आश्रम चला रहे हैं कोयम्बतूर में उन्होंने पूरे वर्ल्ड को टच किया कितनी गौरवमय बात है कि पूरे वर्ल्ड में योगा को भारत के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत में ही ओरिजिनेटेड है लेकिन कई बार योगा को अपने हिसाब से ट्विस्ट और टर्न दे के लोग अपना बिजनेस भी चलाते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने ट्रेडिशनल योगा को भूल जाएं। चौरासी आसन है योग में उन चौरासी आसनों के थ्रू हम अपने आप को मेंटली फिजिकली और स्पिरिचुअली जो है वो स्वस्थ रख सकते हैं तो दर्शकों अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पैंडेमिक के टाइम पे योगा का कितना बड़ा रोल रहा और है भी योग का सिंह आसन जो कि आपकी फेफड़ों की एक्सरसाइज करवाता है वो आसन से लोगों की लंग कैपेसिटी बढ़ती है और जिस तरह का कोविड पैंडेमिक है कोरोना पैंडेमिक है इसने लोगों के लंग्स पे अटैक किया ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल करने लगी तो सिंह आसन जो है वो सिंह आसन किया हुआ उन फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाना लंग्स की एक्सरसाइज करने से कई बीमारियां कई रोग दूर होते हैं और इंसान कोरोना जैसी बीमारी में होने के बाद भी इससे जूझ कर लड़कर जीत सकता है इतना बड़ा महत्व है योग का हमारी जिंदगी में और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे मैं आप सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति को हम अपने पुरातन योग को ना भूलें क्योंकि यही हमारे पास वो खजाना है जिससे भारतीय संस्कृति आ, आज तक चल रही है यहां से योग लेकर अमेरिका फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां के लोग इसका खूब उपयोग करके स्वस्थ तंदुरुस्त हो रहे हैं और हम अपनी कंट्री में रहकर इस खजाने को फॉर ग्रांटेड ना लें तो आज ये प्रण लें ये शपथ लें कि आज इंटरनेशनल योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम अपने आप को तन मन धन से पूरा समर्पित करते हैं अपनी योग संस्कृति की तरफ और सिर्फ ट्विस्टिंग और टर्निंग ऑफ बॉडी को योगा नहीं कह सकते चौरासी आसन और साथ में यूनियन वो यूनियन आंखें बंद करके जिसको हम ध्यान कहते हैं ध्यान की प्रक्रिया योग की सबसे बड़ी और सबसे अहम प्रक्रिया है जो हमें सबसे पहले फॉलो करनी होती है उसके बाद वो चौरासी आसन आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के दिन ये मैसेज सब तक पहुंचेगा और लोग अपने 24 घंटे की दिनचर्या में एक घंटा जरूर योग के लिए निकालेंगे और अपने जीवन को स्वस्थ और सफल बनाएंगे और अपने छोटे बच्चों को घर पर भी योग करवाइए पांच साल की उम्र से अगर बच्चा बड़ा है वो योग कर सकता है और आगे स्वस्थ रह सकता है उसकी जिंदगी जो है कई बीमारियां एस्थमा ब्रोंकाइटिस लंग्स के जितनी प्रॉब्लम होती है बच्चों में कंजेशन ज्यादातर रहती है वो दूर हो सकती है तो ये ये सारी रिसर्च हमारे पुरातन ऋषि मुनि योगी करके गए हैं हमारे लिए ट्रेजर छोड़ के गए हैं और आज एक कर्तव्य समझ के मैं हर्षवर्धन सिंह आप, आप सब आप सबके सामने ये चीज लेकर आया हूं कि हमें योग को अपनी जिंदगी में जरूर अपनाना है और 24 घंटे में से एक घंटा योग को देना है मुझे दीजिए इजाजत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की नमस्कार